आज हवा लग रही है पैसों को। शहर में जो पंखा ये चल रहा है ना, इस जैसा मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कूलर पंखा अभी तक इजाद नहीं हुआ होगा। जी, देखने वाले भी लाजमी से बताइएगा कि किस किस की दादी नानी जो है ना ये वाली नसवार लगाती थी। एक लाख रुपया खर्च करके आइए, 1 लाख। क्या मैंने ये कमा के देना है तुमने? ट्यूबवेल की आवाज कानों में आई नहीं और पूरी विलेज वालों की ईद हुई नहीं। ये भी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम के मैंने ट्यूबवेल पे नहाना है, मैंने ट्यूबवेल पे नहाना है। ट्यूब चलो शाबाश, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसकी जिद को फिर मद्देनजर रखते हुए तो इसको खुद लेके जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे इसको नहलाने के लिए। चलो शाबाश। चलो शाबाश, ध्यान से चलो। हाय 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 हाय। खुद भी पाँव गीले कर लेते हैं। ओए होए 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 होए, चलो हाँ डुबकी लगाओ। ओए होए होए, ठंडा है कितना? चलो जी बस कर लो, बस कर लो जी, बस शादी हो गई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अक्सर नहा ली और आज तीसरा दिन है तकरीबन। रोज़ाना ही यही सोचते हैं कि आज हम जाएंगे दुकान का सामान लेने के लिए, आज हम जाएंगे दुकान का सामान लेने के लिए, लेकिन टाइम जो है ना पता भी नहीं चलता। और इस वक्त भी तकरीबन जो है ना 12:30 का टाइम जो है वो हो रहा है। तो बेगम साहिबा को कह के आया हूँ कि आप जल्दी से बुरखा वगैरह पहन लो और अक्सर ज़िद कर रही है मैं इसको ज़रा ट्यूबवेल पर एक डुबकी लगवा के आ जाता हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना चलते हैं जी, क्योंकि दुकान का सामान वो तो लाजम से लाजम लेना है, क्योंकि विलेज वाले जो है ना काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे सौदे जो है ना वो कम है। तो अभी चलते हैं जी शहर और वहाँ से जो है ना फिर सामान दुकान का लेके तो फिर घर आते हैं। चलो अभी चेंज करो, शाबाश कपड़े चेंज कर लो। बेगम बेगम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कैसे से हैं? बेगम मतलब के हर गम खत्म, बेगम से हो गई जी। बेगम बेगम अक्सा को नहला के आ गया हूँ ट्यूबवेल पे। अच्छा, आपके साथ मेरी कमिटमेंट 2-3 दिन से चल रही है दुकान के सामान की। मेरी चल रही है? हाँ, आपके जा भी नहीं पा रहे ना। हाँ। टाइमिंग की वजह से। अभी मेहरबानी कर लो, तुमने कहा था कि तुम उसको नहला के आओगे, मैं बुरखा पहन लूंगी, फटाफट से बुरखा पहन लो। अच्छा। और फिर चले शहर, दुकान का जो भी सामान है एक तो लिख लो, याद कर लो। मुझे याद है। अच्छा एक काम करते हैं, गाड़ी में चलते हैं और वहाँ से रक्षा करा लेंगे, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा है सामान, है ना? गाड़ी से ज्यादा रक्षा करा लेते हैं फिर। रक्षा ही होएगा और रक्षे का, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तुम्हारी चीनी है, चावल है, दालों हैं, पापड़ है, निम्को है, बिस्किट है, बहुत सारा सामान है। हम बहुत सारा सामान है उसमें नहीं आए। नहीं तो बुरखा पहन ले जनाब, फिर चले। हाँ जी, आज हवा लग रही है पैसों को। गिनती करके फिर भूल जाती है, फिर बार बार गिनने पड़ते हैं। अभी आप चुप कर जाओ। देखिए अभी फिर भूल गई, ऐसे लिख दिया करो, पर जैसे मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, इसके ऊपर लिख दिया है, इसके ऊपर लिख दिया है, ये सारे माशाल्लाह जी मेरी बेगम की दुकान की कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे भी चले जाएंगे, फिर भूल गई। चुप कर जाओ। चलो चलो गिनती करो। हाँ गिनती करते जाओ, शाबाश, फिर भूल गए। आ जाए जनाब, मैं दुकान का सौदा कर देती हूं। देख लिया, सुपर नहीं है, टाइगर नहीं है, निम्को कोई भी नहीं है, टाफिया वगैरह हैं, बबले भी हैं अपने पास,
और नमक मिर्च मसाले नहीं है वो लेने। और तुम्हारा जहन तो कंप्यूटर है, आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ क्योंकि मुझे पता ना। और पापड़ वगैरह लेने, बोतलें लेनी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये अकरिका अभी तक करा, अभी ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई। गर्मी में ज़्यादा नहीं घूमो, अंदर जाके बैठ जाओ, गर्मी बहुत शदीद है। ये देखो हम भी साथ पानी के बगैर सफ़र भी नहीं कर सकते हैं, भले 8-7 किलोमीटर भी जाना हो। हाँ, पानी हम ठंडा साथ में लेके जाते। पी लो और मुझे भी पिलाओ और फिर चलें, अंदर जाके बैठ जाओ मेरी जान। चलो शुक्र है आज इन्होंने इस तरफ नहीं उस तरफ बांध दिए गाय। हाँ हाँ ये सही है। बारिश उम्मीद काफ़ी है कि मुल्तान वाली साइडों पे हो रही है, तो हमारी तरफ भी जो है ना एक दो दिन में शायद शुरू हो जाए। पठानी बाजी की तरफ तो हो रही है। हाँ, बारिश वीडियो देखी थी और मेरे ख्याल में लाहौर और इन तरफ बारिश, और बहावलपुर में भी काफी बारिश हो रही है। बस हमारी बारी आने वाली है, क्योंकि आज जो बादल नजर आ रहे हैं ना ये बारिश बरसाने वाले हैं। और ये यहाँ से अगर उठ रहा है ना तो समझे बारिश है। हाँ इस तरफ से खास तौर पे जब शाम के वक्त आ जाता है ना तो फिर शहर में तो मौसम आउट क्लास बन गया। ये बोतलें पूरी हैं। हाँ, ये देख लो। हाँ, अच्छा ये सारी गाड़ी में कैसे आती? जब तक मैंने रक्षा करवाया, क्योंकि चावल की बोरी लेनी है, चीनी लेनी है, घी लेना है, पापड़ वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो अभी तक आया नहीं है रक्षे वाला। रक्षे वाला आने वाला है, रक्षे वाले को फोन कर लें आप और बिल ले लें। तो ये 2 लीटर वाले भी दो दो, 1.5 लीटर भी दो दो, जम्बो भी दो दो। अल्लाह करे आज बारिश हो जाए, क्योंकि हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया बोतलों से। हमारे विलेज वाले चीख रहे हैं बोतल ले लिया, बोतल ले लिया। काफी दूर जाना पड़ता है ना उन्हें लेने के लिए। रिक्शे पे लोडिंग हो रही है जी, देखें लाइन है। रिक्शे वाला भी बाहर का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अवैस भाई के साला है। साला और कजन भी है। हाँ, कजन भी है। ये जी बिल हुआ है तकरीबन कोई 24,000 का। 24,090। अल्लाह पाक बरकत दे जी, आप 24 का 48 कमाएं। आज के बाद घर भी इस पे ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुकान भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस बात की जो है ना मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ कि मेरा इसमें 1 रुपया भी नहीं है। ये सारे इसी के पैसे हैं, दुकान के सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो ये भर जाएगा फुल। हाँ, ये फुल भर जाएगा, क्योंकि अभी पापड़, बिस्किट, चीनी, चावल, दालों, सब कुछ वगैरह सब कुछ आएगा, मिर्ची, नमक। हम टूर पे क्या गए, 10-15 दिन हमारी दुकान बंद हुई। विलेज वाले कह रहे हैं दुकान उखाड़ दो फिर बंद कर दो। हम वो इतनी दूर जा रहे हैं लेने के लिए, ये वो दुकान लगाने का। चले जी अब यहाँ से चलेंगे पापड़ वाले के पास। बापू पापड़ वाला। अच्छा राबिया, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने भी जी दुनिया में हर कंपनी के हर तरह के फैंस देखे होंगे, लेकिन जो हमारे शहर में जो पंखा ये चल रहा है ना, इस जैसा मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कूलर पंखा अभी तक इजाद नहीं हुआ होगा। ये हमारी खुद की क्रिएशन है, देखें जी, ना इसको इधर से कुछ है, ना इधर से कुछ है, ना उधर से कुछ है, बस ऐसे ही खाली मोटर लगी है। जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा जी, फाइनली पहुँचे हैं भाई के पास। यहाँ से हम इनसे होल सेल पर ये पापड़ और ये बिस्किट ये सब चीज़ें इन्हीं से ही लेते हैं शुरू से। राबिया इनकी पेटी पेटी ले लो। नहीं नहीं, मत पेटी पेटी नहीं। या छः छः ले लो। 10-10 डब्बे लूँगी। पेटी में कितने होते हैं? 18। 10-10 डब्बे दीजिए मुझे। नहीं नहीं, कराची के भी दें, ये क्रंच के भी दें, और ये पापे वगैरह भी ले लो। अच्छा, बच्चों के कोई नए आइटम आए हों तो वो भी दे दें। पापड़ भी काफ़ी सारे आएंगे। पापड़ वो भाई खुद दे देगा अभी जो भी चलने वाले। माशाल्लाह, मतलब आज दुकान फुल भरने का मूड है। पंजाबी तड़का लेना है। अच्छा मुझे एक और चीज देख के ना एक और चीज याद आई है राबिया। अच्छा जी, देखने वाले भी लाजमी से बताइएगा कि किस किस की दादी नानी जो है ना ये वाली नसवार लगाती थी। हमारे इलाके में अभी तक भी जो दादी है नानी है बहुत जो है ना उम्र की, वो ये नसवार, काली नसवार लगाती है। हाँ जी, हाँ जी। हाय हाय हाय। सारा सामान लेके बेगम साहबा। हाँ। पापड़ वगैरह ये ही है ना सारे? ये सारे पापड़ एहसान, तुम ये लेके चलो घर, ठीक है ना? अच्छा, चीनी और चावल जी हमने मौसम को देखते हुए ना वो हमने सोचा है कि हम अपनी कार में रख लेते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर पकौड़े लेने।
वाह मिर्चियां वाले पकौड़े दे सी मिर्चियां ते आलू वाले आलू लगन कचौरी वाले अच्छा हम भी जल्दी जरा निकले क्योंकि ऊपर मौसम का कुछ पता नहीं है बारिश काफी बन के आ गई अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हैं ठीक हैं तबियत दसो फर्स्ट क्लास मजेदार पंखे की पेटी हाँ। पंखे की पेटी रक्षे पे चली गई हाँ पंखे की पेटी साबुन नहीं कह रही पंखे की पेटी हाँ अच्छा अब फाइनली जी जो सामान है जो जिसको हमने बारिश से बचाना है कुछ बारिश से बचाने के लिए हम गाड़ी में रख के लेके जाएंगे हम वहाँ लग गई पैसों को सब खत्म हो गए सबसे ज्यादा बिल आमिर का है ना आमिर का कितना बिल बढ़िया कितना है 56,000 56,000 का इधर का बिल है और उधर का भी तो है 14,000 का वो बिल था बोतलों के ये वो सारे मतलब आज लाख रुपए से ऊपर की शॉपिंग कर ली शॉपिंग कर ली वही दुकान की शॉपिंग कर ली बस अल्लाह पाक बरकत दे जी अल्लाह पाक बरकत दे बारिश पहले पहुंचेगी या हम पहले पहुंचेंगे बारिश नहीं आएगी एक दो कनिया आई है मैं तो खुश हो गया मैंने कहा चलो जी आज हमने भी बारिश का मुंह देख लिया लेकिन वो बस जैसे मैंने कहा उसके बाद बंद हो गई कुछ सामान हमने अपनी गाड़ी में रखा है गाड़ी भी भरी हुई है रक्षा हमारा जा चुका है घर पहुंच भी चुका होगा रक्षा सामान छोड़ के गया भी होगा हाँ हमें काफी थोड़ी सी देर लग गई थी आमिर भाई के पास क्योंकि सामान निकलवाना था ना चलते हैं जी अभी घर वाकई हम बारिश से पहले पहुंच गए हैं बारिश नहीं आई वो रात को ही है ना रक्षा वाला आया हा यकने को वालेकुम सलाम ठीक है वो सामान कहाँ इधर रखवाया सारा बोतलां की तरह बोतलां फ्रिज नाल ओए ओए माशाल्लाह जी माशाल्लाह अलग बाजार लग गया अभी वो बोरे कहाँ रखने हैं यहाँ पर रखे क्योंकि दो लिए हैं 20-20 किलो के 25-25 किलो के अच्छा उसने दो दिए होंगे मैंने तो एक ही मांगा था बोरा कितना 50 किलो हाँ 50 किलो वाला 25 किलो का एक हाँ जी आज के लोडर अहमद है यही रक्षा हाँ ये नाल ही रक्षा हाँ हाँ दोनों बोरे हैं और ये एक चीनी का बोरा है नीचे वाला चीनी का बोरा अच्छा मैं चीनी तो फिर से महंगी होगी ना हो गई हाँ हाँ मुझे मिली है पीछे से ये चीनी 120 मुझे 140 बेचनी है किलो के पीछे सिर्फ 20 रुपए इनमें बचत नहीं है अहमद 120 रुपए हाँ जी नहीं, वो तो बोरे का हिसाब होता है हाँ बोरे का हिसाब बोरे में ना वही 120 रुपए के हिसाब से आई ना 140 बेचने हैं अहमद आ गए है लोडर क्योंकि अहमद ने कभी ही इतना वजन उठाया आज उठाना पड़ेगा हाँ जी ये है तकरीबन 50 किलो का बोरा है ना चीनी का हाँ जी और माशाल्लाह से गाड़ी में और तो कुछ नहीं रह गया नहीं और कुछ भी नहीं है चिकन वगैरह पड़ी हुई है जो 1,00,000 रुपया खर्च करके आई है 1,00,000 तो क्या मैंने ये कमा के देना है तुमने तुम्हें क्यों दूंगी कमा कर तुम किस लिए मुझे हिसाब मांगते देते हो मुझे क्या देते हो घर का खर्चा चले नहीं है ना तेरे को तो मैं क्या नहीं मांग दिया ना अच्छा इस दुकान में से मेरा माशाल्लाह से घर भी चलता है और मेरी दुकान भी चलती है और अभी जो मैं सौदा लेकर आई हूँ ये सब इसी दुकान के पैसे से लेकर आई हूँ अहमद से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा 1 रुपया भी नहीं है 1 रुपया भी नहीं है सारी खाली भी है ना हाँ तो ये सब अभी भर जाएंगे ना ये देखें ये पूरा कार्टन इसमें बिस्किट है निमको है सब चीजें हैं मेरे ख्याल से हाँ वो देखो वो भी भरा वो तेल भी भरा चली गई फाड़ देंगे इन्हें बाहर निकालती हूँ मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे लगता है कि पेप्सी की एजेंसी इधर ही आ गई है एजेंसी मैंने एजेंसी खोल अच्छा उधर थोड़ी लग रही थी माशाल्लाह काफी सारी है हाँ वो फैली भी है ना जगह जगह अभी थोड़ा सा आराम कर लो ठीक है फिर इनको जो है ना फ्रिज में लगा दो फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा ये वाला रात में ना नहीं बोतल मुझे रात में ना ये पैड लगाऊंगी एक कप पैड लगाऊंगी सब बोतलों का हाँ बस उतने लगाना जितने इसमें वजन भी ना आए फ्रिज में एक एक पैड लगाऊंगी एक एक लगा देना सबका ये जी हमारा दोपहर का और रात का मिक्स खाना है पकौड़ों के साथ आज भी हम रोटी खा लेते हैं और वो भी मिर्चों वाले पकौड़ों के साथ मज़ा आ रहा है ना अदी तू खा के दी पकौड़े तो खा दे खा दी खाए
माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ना आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी ना अभी, कि मैं उन लोगों को कहूँगा जिनका, क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को, कि किसी की अगर वो हौसला अफजाई नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसकी दिल आज़ारी भी ना किया करें। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी अराबिया ने, जिसमें अपना कश्मीरी ड्रेस वगैरह दिखाया था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे नेगेटिव बात करने वाले, कि हम लोग उनको रिमूव करते करते थक गए। कोई डायन कह रहा है, कोई मासी कह रहा है, कोई कल्लो कह रहा है, कोई काली कह रहा है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। राबिया ने मुझे दो तीन जो है ना बताया, मैंने कहा राबिया छोड़ो, इग्नोर करो, ऐसी बातों को देखो ही नहीं। लेकिन फिर भी जी इंसान है आखिर, तो काफ़ी सारी हमारे जो है ना बहनों ने राबिया की हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा की है, जिनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा नहीं, ये बात मुझे वो लोग बताएं, ये जब मैं ब्लू ड्रेस लेकर आई पठाने, इस ड्रेस में तो माँ के बूढ़े भी पहनते हैं, बूढ़िया नहीं पहनती हैं। हाँ, वो कह रहे थे कि ये तो बच्चियाँ पहनती हैं, नौजवान, और तुम चाची हो, दादी हो, नानी हो, फलानी हो, ढिमकानी हो, तो मेरे बच्चे छोटे, मैं कहाँ से नानी बन गई, दादी बन गई। है ना, प्लीज़ ना किया करें। अगर किसी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ठीक है आप छोड़ दें, लेकिन कम से कम अगले बंदे का दिल तो ना दुखे। नहीं नहीं, सारी बात होती है हसद की। चलो छोड़ो जी, अल्लाह पाक सबको हिदायत नसीब करे। हसद की बात होती है, उनके पास ये चीज़ नहीं है ना, इसलिए तो वो तो हसद करेंगे। छोड़ो भाई, चलो जी, इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप सबसे होगी हमारी इंशाल्लाह कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआओं में याद रखते हुए हमें इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ के जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, और अल्लाह पाक हमारे इलाके में भी रहमत की बारिश दे दे जी, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।